हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेसन एंड फूड। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे नवरात्रि सीरीज चल रही है और आज नवरात्रि का लास्ट दिन है, नाइन्थ डे है, नवमी है आज। तो आज के दिन हम ये सिंघाड़े का हलवा की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। गाइस, ये सिंघाड़ा है, इसको छील लिया है, इसको पानी फल भी बोलते हैं। छिले गाइस, ये ऐसा दिखता है, ये देख सकते हैं आप, इसी को छील लिया है, ये ऐसा हो गया है। तो गाइस, इसको अब हम पीसेंगे। इसको गाइस ऐसे छीलते हैं, ये आप देखिए, ये इजीली छिल जाता है। तो अब गाइज इसको हम पीस लेंगे जार में डाल के। देखिए गाइज, कितने अच्छे से पीस चुका है ये सिंघाड़ा। इसमें आपको वाटर डालने की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजीली पीस जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो गाइज, अब हम हलवा बना लेते हैं। उसके लिए पैन को गैस पे रख दिया है। अब गाइज, मैं इसमें घी डाल रही हूँ, घी 4 से 5 चम्मच डाल रही हूँ। गाइस, घी गर्म हो चुका है, अब इसमें ये जो सिंघाड़े को पीसा था वो डाल लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे गाइस। अब गाइस, इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब गाइज, इसमें 1 कटोरी चीनी डाल लेंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल लेंगे। ये काजू और बादाम लिया है मैंने, इसको काट लिया है बारीक। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब गाइज, इसमें 1 ग्लास दूध डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे गाइज। इसको ढक के 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। हलवा हमारा रेडी हो गया है गाइज। गैस को मैंने बंद कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये थिक भी हो गया है, पहले से गाढ़ा हो गया है और पक भी चुका है। तो अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, हलवा को मैंने बोल में सर्व कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट डाला है। तो ये हलवा गाइज आप ऐसे बना के देखिएगा, सिंघाड़े से, सिंघाड़े के आटे से आपने बनाया होगा, बट ऐसे आई एम श्योर आपने नहीं बनाया होगा। रेसिपी को एक बार गाइज ट्राई जरूर करिएगा, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे सिंघाड़ा यानी कि पानी फल का बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट भी होता है गाइज, तो ये बहुत ही हेल्दी भी है। और गाइज, इसी रेसिपी के साथ हमारी नवरात्रि सीरीज खत्म होती है। 9 दिन की रेसिपी, व्रत की रेसिपी शेयर की है मैंने। अगर आपने वो रेसिपीज नहीं देखी है तो प्लीज एक बार देखिएगा जरूर। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ व्रत में ही बनाएंगे उन रेसिपीज को, उसे आप ऐसे भी बना सकते हैं। और ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।